करते शहीशी चैत्र पौर्णिमा हेलो 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 ओके तो थंबनेल लेके आपको समझ गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं एंड इट्स माय फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। मैं राहुल एंड गौरव जा रहे हैं, अभी 3:30 का ट्रेन है एंड अभी बज रहे हैं 2:15 सो एक्चुअली प्लानिंग ऐसा हुआ है कि कल शिव जयंती है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन, आज हम लोग निकलेंगे उधर ही स्टे करेंगे, वन नाइट स्टे, देन कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग चालू करेंगे ट्रेकिंग टू रायगढ़। अभी हम लोग 4 जन टोटल, हम तीनों को तो जानते हो कि मैं, राहुल, गौरव हमारे साथ आ रहे हैं, एक और हमारे ग्रुप में जो एड हुआ है उनसे आपका इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जब सब मिल जाएंगे। अभी बैकपैक हो रहा है सबका एंड सब रेडी हो रहे हैं, सब चेकिंग हो रहा है कि क्या क्या लिया है क्या क्या। ब्लॉगिंग को एक स्टेप ऊपर लेके गए, लेके जा रहे, आई मीन वन नाइट टू डे ट्रिप है, तो फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग। आई एम डैम हैप्पी, जिस तरह प्यार दे रहे हो प्यार देते रहो एंड इसी तरह वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल, एब्सोल्युटली फाइन इन योर लाइफ। आशा करता हूं आपको ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, एडिटिंग अच्छी लग रही होगी, थॉट्स अच्छे लग रहे होंगे एंड जो कंटेंट दे रहा हूं अच्छा लग रहा हो। ये मेरा दो बैग है, एक में जो कपड़ा ये सब आएगा, जो नेसेसरी चीज है, जो वॉलेट पानी ये सब, तो इसमें मेरा रहता है जो मेरा झोला है। कोई आंधा है रेडी होके? राहुल उसको देख नहीं रहा है। ओके हियर वी आर रेडी टू गो, हमारा बैग वैग सब आ गया एंड फाइनली टाइम टू गो। पापा फाइनली सीट मिल गया हमको एंड हाँ इंट्रोड्यूस करवाना, ये श्लो न्यू मेंबर, राहुल को जानते सर एंड एक गोटिया अंधा अंधा आदमी, कभी ऑलमोस्ट 3 to 4 hours का जर्नी है ट्रैवल करना है, जो गाड़ी चालू होने से पहले हो गया लपड़ा, एक लड़की ने गिर गए गाड़ी का चेन क्यों खींचा उसको मालूम, तो श्लोक बोलता है फाइनली मेरी गाड़ी चल गई ठीक है, 4 बजे 2:30 को आए थे हम लोग, 2:30 को आए, 4 बजे गाड़ी निकले। पानी इधर 7:30 हो रहा है, हम पहुंचने वाले थे 6 बजे, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, अभी भी हाफ एन आवर बता रहा है। अभी ट्रेन जा रहे हैं, हम लोग पहुंच गए मानगांव स्टेशन पे, ये हम लोग पहुंचने वाले थे 6 बजे, 6 बजे का हमारा इधर 8:30 बज रहे हैं। अभी प्लान है अगर इधर हम लोग को बस मिल गया तो हम लोग महाड़ जाएंगे, तो महाड़ में आज स्टे करेंगे, अगर यह नहीं मिला तो फिर यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। अभी हम लोग है बस स्टैंड पे वेट कर रहे हैं बस का, तो अभी बस आने वाली आधे घंटे में कुछ। अभी एक्चुअली सेटिस्फेक्शन मिला, क्यों, इसके पहले वाला जो रूम लिया था बहुत ही गंदा था, हमने एक्चुअली चेक नहीं किया था, बस इतना हेक्टिक थे कि ले लिया, पैसा दे दिया, खत्म किया, बाबा कम प्राइस में लिया, बट कम प्राइस में लेने का ये हुआ कि पूरा बाथरूम से लेके बेडरूम पूरा गंदा था। बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस पूछने के बाद हम लोग ने डिटेल में लेने के बाद ये रूम मिला जो कि बहुत क्लीन है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड गौरव बहुत खुश है उसको देख के, इधर क्या गौरव के मन को शांति मिला है एंड इसको सॉक्स का स्मेल नहीं हो रहा है, सेंट डाल रहा है इधर बैठ के। श्लोक को इंट्रोड्यूस अच्छे से नहीं किया श्लोक, एक्चुअली ये काफ़ी टाइम से है हमारे साथ, पार्ट ऑफ ब्लॉग नहीं बनता, तो अभी स्टार्ट हुआ है तो आगे जर्नी होगी, दिखेगा श्लोक। नेक्स्ट मॉर्निंग, एक चीज रात को बहुत अच्छा काम किया था हम लोगों ने, वो रूम से ये रूम में शिफ्ट होने का, वर्थ ऑफ मनी है, बहुत अच्छी नींद आई भाई, पागल बाथरूम में गौरव
इसलिए ऐसा आवाजें निकाल रहा है। क्या कर रहा है मालूम नहीं, अंदर ऐसा गंदे गंदे आवाजें निकाल रहा है। एंड ये हम लोग के राहुल एंड श्लोक रेडी। टी ब्रेक। चीयर्स। पापा का ही नया लिया इसने। ये पापा का कपड़ा पहन के आता है, हमको लगता है इसके पापा हमारे साथ है। पीछे से देखो तो हेलो मोजा मोजा नहीं रे बहुत कट करना पड़ेगा इसके। राहुल सुबह का 7:30 बज रहा है एंड एग्जिट हो चुके हैं हम लोग। अब इधर से ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या राहुल? हाँ चाबी दी। इधर से ब्रेकफास्ट करेंगे एंड डायरेक्ट बस स्टॉप से, सामने बस स्टॉप है हमारे होटल के, बस स्टॉप से डायरेक्ट अभी जाएंगे रायगढ़ किला के नीचे। किले के नीचे छोड़ेगा बस। ओ हो 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 मुंबई के मुकाबले इधर काफी अच्छी ठंडी है, 20 डिग्री तक गया इधर एंड ठंडी लग रही है। ओके गाइस, फाइनली अभी हम लोग रायगढ़ किले में है। ये हम लोग रायगढ़ किले के एंट्री पे है, इधर हमारा एंट्रेंस है। इधर से हम लोग सीधा ऊपर निकल जाएंगे एंड ये मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको पूरा हमारा रायगढ़ किला है। ट्रैकिंग कुछ ऐसी रहेगी, इधर से ये रूट ऐसा ऐसा एंड देन ऊपर चढ़ना है। अरे यार मनु बोलो मी सुका लाओ अपन आम्ही आता सुरुवात करत आहे। ट्रेकिंग स्टार्ट हुई हमारी 9:21 को। ए गौरव छोटे यो सुमोर यात्री। अभी हम लोग इधर है, शायद से वी हैव टू रीच देयर। वहां पे अभी चल रही है हमारी सवारी श्लोक एंड सूरज की। राहुल गौरव थोड़े आगे गए हैं, हालत ख़राब तो नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है चढ़ के, बट फिर भी एनर्जी ऑन नेक्स्ट लेवल। हाउ द जोश? हाय सर। जय श्री राम। दिस इज हाउ बस ट्रैवल। ये सब पूरा बस नीचे से चढ़ के हमको वहाँ पे छोड़ी थी। ये पूरा रूट ऐसा 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 ऐसा, ये अभी ऐसा देखने से सांप जैसा लग रहा है, बट ये पूरा स्लोप में है जैसा पहाड़ चढ़ते हुए। ये एंड फाइनली मोर हाफ एन आवर। अभी जस्ट फर्स्ट गेट पे, दिस इज हाउ लुक। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
एग्जैक्ट मेरे पीछे यहाँ पे मेन गेट है एंड ये हमको मिला मेन गेट के सामने। तो ग्यारह बज के 11 मिनट एंड स्टिल गोइंग ऑन। मेरे पीछे ये हत्ती तालाब बारिश के टाइम पूरा पानी भर जाता रहेगा, बहुत सुंदर दिखता रहेगा। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए पहुँचते कि गंगा सागर टैंक आगे है, शिर कई देवी टेंपल सामने है, अभी विजिट करेंगे हम। हाथी टैंक नीचे देख लिया, महादरवाज़ा नीचे देख लिया, चित्र दरवाज़ा नीचे देख लिया, शिर कई देवी टेंपल। अभी हम लोग हैं मार्केट प्लेस में, ये पूरा यहाँ पे लाइन से मार्केट है। ये कुछ इस तरह, ये सब सेक्शन में डिवाइड है, सेम सेक्शन में सब डिवाइड है लाइन से। आम्ही आता चाललो आहे शिवाजी महाराज दर्शन घ्यायला, मी सूरज राहुल आणि श्लोक न्यू मेंबर हा न्यू मेंबर। सूरज चालला आहे, बघू शकतात कसा रस्ता आहे, तू पडशीला मी नाही पडू शकत, आणि श्लोक बघा कसा चालतोय। मार्केट का व्यू कुछ ऐसा है अगर हम लोग ऊपर से देख रहे इसको, ये पूरा लाइन से मार्केट। फाइनल वी आर गोइंग टू एंट्री, जिसके लिए इतना ट्रैवल करके सब करके आए। गेट एंड वी आर गोइंग टू एंट्री, चले दिस इज द किंग्स कोर्ट, जहाँ महाराज बैठे हुए हैं हमारे। राजवाड्यामध्ये या रैतेच्या राजाने अवघ 10 वर्ष राजगड केल्यावरती काढला, 26 वर्ष राजगडावरती काढला, बालपण गेलं शिवनेरीवरती, आपल्या लाडक्या राजाला आपल्या रैतेच्या राजाला आयुष्य लाभाव किती अवघ 50 वर्ष। 50 वर्षामध्ये आपल्या राजाने स्वतःची गादी स्वतः निर्माण केली, 365 गड किल्ले घेतले। आता माणूस 50 वर्षामध्ये काय करू शकतो, 20 वर्ष बालपणात, 30 वर्ष मनासारखं माणसाला घर बांधता येत नाही। अरे म्हणून तर म्हणतो ना त्या वाघाच्या जबड्यात हात घालून, त्या सिंहाच्या जबड्यात हात घालून, जो मोदीचा जात तो मर्द मायाची जात, तो फक्त एकच जात फक्त शिव महाराज। आणि मराव कस शिकावं फक्त शंभू करणार। रायगड किल्ल्यावर 9 वर्ष झाली, इतिहास लिहिला गेले ज्या टायमाला औरंगजेब आला
ज्या टाइमला महाराज अखेर तशा भेटून गेले तेव्हा ते औरंगजेबाला सुद्धा आनंद झाला आणि त्याने आपल्या अल्लाला हात जोडले आणि औरंगजेब बोलला अरे सचमुच दुश्मन मिला शिवाजी. असं वाटलं की आता स्वराज्य आपलं होऊन जाईल. त्याला हे माहिती नव्हतं काळानंतरी जरी सिंह जरी गेला असला तर छावा अजूनपर्यंत जिवंत आहे. 9 वर्ष या सह्याद्रीच्या पर्वत राजून त्याला फिरवला पण स्वराज्य त्याला काबीज केली करून त्याला म्हणतात शंभूराजे पण त्या दिलेला गेला मान नाही. या समोर या चौथऱ्यावरती आपल्या रयतेच्या राजाने आपल्या लाडक्या राजाने याच समोरच्या चौथऱ्यावरती आपल्या राजाने आपला अखेरचा श्वास अख्खा महाराष्ट्र पुरता झाला. अख्खा महाराष्ट्र पुरता झाला. दिवस मावळला 3 एप्रिल 1686 चैत्र पौर्णिमा हनुमंत जयंती वार शनिवारी आपल्या राजाने आपला अखेरचा श्वास आपले रयतेचे राजे आपल्यातून निघून गेले. या समोरच्या चौथऱ्यावरती राजाने अखेरचा श्वास सोडला. याच रयतेच्या राजाने या समोरच्या चौथऱ्यावरती आपला अखेरचा श्वास सोडला. जगदंब 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 अखेरचा श्वास सोडला. येथून तीर्थयात्रा समोर जगदीश्वराच्या बाजूला राजांना दिनचितीची जागरण देण्यात आली. तेथे का कारण की राजे शंकराचे भक्त होते. येथून दर्शन तिथे निघून जायचे. आज समोरचा पेट लागून आपल्याला रांगेत 3 टाक्या बाहेर उठत आहेत. कोपऱ्यामध्ये आपण पाहतो त्याला इतिहास म्हणजे आजही म्हणतो आपण. आजचं आपलं स्विमिंग पूल स्वराज्य रयतेच्या राजाचं अटॅच बाथरूम आज आपल्याला बाहेर भेटणार आहे. त्याला त्या काळामध्ये आपल्या लाडक्या राजाचं बालटक म्हणलं तरी चालेल ते पाहून घ्या. कारण का माहितीये काय कारण की ज्या टायमाला अफजल खान तुळजापुरात थैमान घातला थैमान त्यावेळेला मंदिर कधी एक पण त्या तुळजापुरात मंदिर पूर्ण नव्हती. अरे ज्या देवामध्ये मंदिर राहिली ज्या देवाऱ्यामध्ये मंदिर ठेवली एकमेव राजे होऊन गेले छत्रपती शिवाजी राजे होऊन गेले. कारण की राजे नसते तर आज आपण इथून असतो. आपण कुठेतरी मुलांच्या चाकऱ्याकडे असतो हेच आपलं भव्य होत आहे. मी मराठा आहे ही जमीन माझी आहे आणि मी इथं टिकवणार आणि ते मीच खाणार ती एकमेव सांगून गेले फक्त छत्रपती शिवाजी राजे. राजगडावरती खडे बसरले शिवरायांच्या बाई आणि अमास दौलत माणिक मोते दुसरी कुठलीच नाही. पाहिजे थांबा रे जाऊ नका. ये तभी का इधर सब कॉइन्स एंड जो मुद्रा ये सब रहता था वो बनाने वाला जिथे जिथे विटांचा आहे ना हाँ विटां दिसतात ते पेशव्यांनी लागलो जी गेले. जे काळे पाषाण दिसत आहेत ते पूर्वीपासून म्हणजे इंदुलकरांनी बंगला किल्ला बांधला तेव्हापासून. अरे बोध एक माझा बॉटल ना थर्ड वाला ना तिसरा तिसरा अच्छा खासा पाणी आहे ते लोक उतरले नीचे इधर से अभी अंदर गए थे इधर जो व्यू लिया उधर से पूरा अंदर से घूम के अंदर आए फिर ये बाहर एंड आउट. ये एक सुविधा बहुत अच्छी लगी. पूरा ट्रेकिंग करके इतना थक गए थे एंड पानी के 4 बॉटल थे चारों के चारों बॉटल खत्म हो गए थे. अभी इधर जब नीचे उतर रहे तभी इधर सब लाइन लगा के पानी भर रहे. पानी भरने का सादा पानी रहेगा हम लोग को लगा. हम लोग भरने गए चिल्ड इतना अच्छा लगा पी के अभी एंड छाव में मस्त बैठे 15 मिनट रेस्ट करके खाना खा के बैक टू होम. इसको सब अंधे समझ रहे ओके. तो उसके बाद हमने जाते वक्त इतनी अच्छी ट्रैकिंग हुई नहीं हमारी क्योंकि हम लोग सिर्फ चढ़े चढ़े चढ़े. रियल ट्रैकिंग हम लोग ने आते वक्त किया कि शॉर्टकट मार रहे थे हम लोग. शॉर्टकट इन द सेंस कि रास्ता पूरा कर्व एस टाइप उतरने जैसा था. तो हम लोग बीच बीच रास्ते में डायरेक्ट एक उधर के रहवासी मिले थे हमें जिन्होंने हमें वो रास्ता बताया था.
तो हम लोग डायरेक्ट उनके साथ साथ डायरेक्ट उधर से उतरते, बीच बीच में उतरते उतरते हम लोग एंजॉय करते करते आए। तो हम लोग किले से निकलने के बाद इतना टाइम बहुत परेशान हो गए थे, तभी हमारे पे दिमाग काम नहीं कर रहे थे, तो ब्लॉग उधर ही एड कर गए थे। उसके बाद हम लोग ने बस किया, बस में करके हम लोग स्टेशन आए, स्टेशन से ट्रेन एंड वाया ट्रेन हम लोग हमारे घर। तो अब ये वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते, पहले से बहुत बड़ा हो गया वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, एंड ऐसे और वीडियोज आएंगे करेंगे हम। तो अभी तो कोई एंड करने के लिए है नहीं साथ में वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही रखते गाइज। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। सो इधर तक देख लियो तो बिना लाइक के नहीं जाना, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तो अभी के लिए दी एंड। गणपति बप्पा मोरया, जय शिवाय, जय महाराष्ट्र।